इस कॉटन के कपड़े के साथ मैं क्या बनाऊं? शायद एक ड्रेस या फिर पर्दे या फिर कोई बैग। तो जैसे मैं इस कपड़े से अलग अलग चीज़ें बना सकती हूँ, उसी प्रकार राग भी कुछ इस कपड़े की तरह ही है, जिसे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ बहुत सारे प्रकार पेश करने में। तो कौन से होते हैं ये प्रकार जिसमें राग प्रस्तुति की जाती है, जानते हैं इसी के बारे में इस एपिसोड में, जिसका नाम है द बेसिक थियरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, मेरे यानी अनुजा कामत के साथ। पिछले एपिसोड्स में जो है हमने जाना कि राग का ये कंसेप्ट जो है वो दोनों हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूज़िक के लिए समान ही है। हिंदुस्तानी में और कर्नाटक में अलग अलग शैलियाँ होती हैं जिसमें राग की प्रस्तुति की जाती है। पहले हम जानते हैं हिंदुस्तानी संगीत में राग प्रस्तुत करने की शैलियाँ। अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी में जो है दो मुख्य प्रकार की शैलियाँ हैं, एक है ध्रुपद और दूसरी है ख्याल। अगर आप ध्रुपद की तुलना ख्याल से करें तो जो है ध्रुपद एक पुरानी शैली है और उसी तुलना में ख्याल जो है एक नई शैली है और ज़्यादा प्रसिद्ध भी है हिंदुस्तानी शास्त्रीय महफिलों में। उसी प्रकार से आपने ठुमरी, टप्पा, भजन, गज़ल इनके बारे में भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो ये भी जो है वो भी शैलियाँ हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, पर इन शैलियों को हम क्लासिकल या शास्त्रीय, शुद्ध शास्त्रीय नहीं कह सकते। इन्हें पाया जाता है सेमी क्लासिकल के कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं उपशास्त्रीय शैलियाँ। क्यों इन्हें कहा जाता है उपशास्त्रीय? क्योंकि शास्त्रीय संगीत में अगर देखा जाए तो शैलियों को राग के नियमों का पालन करना ही है, पर उपशास्त्रीय संगीत में जो है जब कलाकार राग की प्रस्तुति करता है तो वो राग के नियमों से इतना बंधित नहीं होता। एक राग प्रस्तुत करते वक्त जो उपशास्त्रीय संगीतकार हैं वो इतर रागों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, उस राग के नियम तो तोड़े जाते हैं, पर यही एक खूबसूरती होती है इन उपशास्त्रीय शैलियों की। जैसे हिंदुस्तानी में ये शैलियाँ हैं, उसी प्रकार से कर्नाटक में भी उनकी अपनी शैलियाँ हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे ख्याल सबसे प्रसिद्ध है हिंदुस्तानी में, उसी प्रकार से कृति ये शैली सबसे प्रसिद्ध है कर्नाटक संगीत में। कृति के साथ साथ और भी अलग शैलियाँ हैं, जैसे वर्णम, तिल्लाना, पदम और जावली। अगर आप तुलना करेंगे कर्नाटक संगीत की हिंदुस्तानी संगीत के साथ, तो आप पाएंगे कि कर्नाटक महफिल में, जिसे कचहरी कहते हैं, तो कचहरी में जो है एक कलाकार एक साथ ही वर्णम, कृति, सारे शैलियों को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुति की शुरुआत जो है वो वर्णम से होती है, फिर कृतियों की ओर बढ़ती है और फिर जाती है कुछ हल्के शैलियों की ओर, जैसे पदम और जावली। ये सब जो है वो अलग अलग रागों में होते हैं। पर अगर आप हिंदुस्तानी महफिल को देखें तो वो महफिल होगी ध्रुपद की या तो ख्याल की। एक ही महफिल में कलाकार जो है वो ध्रुपद और ख्याल को प्रस्तुत नहीं करते। इसका यही कारण है कि ध्रुपद और ख्याल अपने आप में ही बड़ी शैलियाँ हैं और इनमें जो है आवाज़ के लगाव की तकनीक है वो अलग अलग है। इसी के साथ साथ जिन वाद्यों का इस्तेमाल होता है वो भी थोड़े भिन्न हैं। जैसे अगर आप देखें तो ख्याल में तबला का इस्तेमाल किया जाता है ताल देने में, और ध्रुपद में जो है पखावज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी ख्याल की महफिल में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ख्याल प्रस्तुतिकरण के बाद कलाकार जो है वो उपशास्त्रीय की ओर बढ़ता है। तो शायद वो कोई ठुमरी गा दे या टप्पा गा दे, गज़ल गा दे, भजन गा दे, अपने हिसाब से वो कोई उपशास्त्रीय संगीत की शैली पेश करता है। अगर देखा जाए तो ठुमरी और गज़ल जैसी शैलियों की अपनी एक अलग सी महफिल भी होती है, पर अगर एक शास्त्रीय संगीतकार पेश करना चाहता है उसे तो वो ख्याल की प्रस्तुति के बाद ही ज़्यादातर उसे पेश करता है। तो आज के इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं।
इस एपिसोड का यही उद्देश्य था कि आपको शैलियों के नामों से परिचित करवाना था मुझे। इन्हीं शैलियों के बारे में हम एक एक करके गहराई में जानेंगे मेरे अगले एपिसोड्स में जो आने ही वाले हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जो है उस पर दबाइए। बटन के बाजू में ही एक बेल आइकन है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब जब मेरे एपिसोड्स रिलीज़ होंगे। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को थम्स अप दीजिए, उन्हें शेयर कीजिए अपने संगीत प्रेमी दोस्तों के साथ, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपका इंतज़ार रहेगा मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति।